आज भी उसका त्रामापटा जो है राजू के महाराजों के टाइम से आज का त्रामापटा जो बना है वहाँ, वो हमारे डुगुण के नाम है। इसलिए ज़्यादा जरूरी बन जाता है डुगुण का भी प्रोटेस्ट करना, जैसे भद्रवाह और डोडे का बनता है, तो इतना ही फर्ज हमारा भी बनता है कि वासुकी नाग मंदिर में तोड़फोड़ का मामला सामने आने के बाद बन्नी में किया गया प्रदर्शन। आपको बताते चले कि जम्मू संभाग के जिले डोडा के भद्रवाह में प्राचीन वासुकी नाग मंदिर में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है, जिसके बाद लोगों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। इस घटना के बाद जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। आज बन्नी के अलावा डुग्गन में सड़क को बंद कर लोगों ने प्रदर्शन किया और प्रशासन से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने और कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। बन्नी अपडेट के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ कौन करेगा? हमारे सालों को मेरा नाम सरदेश राज सरपंच है। मैं एक्स सरपंच हूँ डुगुण का। तो ये 2015 में भी एक वारदात हुई थी, तो मूर्तियों को तोड़ा गया था, तब भी प्रोटेस्ट हुए। लेकिन जैसे कुछ लोग जो हैं वो पकड़े भी गए थे उस वक्त, लेकिन उनको छोड़ दिया गया। तो आज भी इसी ढंग से उन्होंने जो मूर्तियों को तोड़ा, मंदिर को तोड़ा, ये हमारी आस्था है और ख़ासकर डुगुण के लोगों की यहाँ से छड़ी जाती है। तो प्राचीन यात्रा यहाँ से डुगुण से चलती है और कैलाश जाती है। तो ये डुगुण के लोग जो हैं सभी ये यात्रा के साथ वहाँ जाते हैं। तो खाली डुगुण से नहीं बल्कि बनी से भी यात्रा जाती है, डुगुण से जाती है, लोई मलार से जाती है, डुडू बसंतगढ़ से जाती है। तो सभी लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं। तो बड़ी ये डोडा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, ये जो हमारा कैलाश कुंड है ये डोडा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सर, तो किस तरह देखते हैं कि जिस तरह से कल से प्रोटेस्ट हो रहे हैं पूरी रियासत में, यहाँ तक कि बाकी राज्यों में भी प्रोटेस्ट हुए इसको लेकर, और किस तरह का रोष है यहाँ के डुगन के लोगों का अगर हम बन्नी की बात करें? तो ये रोष लोगों का यही है सर कि उन गंदे अनासरों को पकड़ा जाए और उनको फांसी की सजा दी जाए कि दोबारा वो कोई हिम्मत ना कर सके। मैं ये भी कहना चाहूँगा ये किसी एक धर्म से नहीं तलक रखते, इनका धर्म ही कोई नहीं है। ये हो सकता है कि हिंदू मुसलमान फसादात कराने की कोई जड़ हो, उसके माध्यम से ये इन्होंने किया हो। लेकिन ये समझना चाहिए कि ये जो लोग हैं, ये जो मंदिर मस्जिद को तोड़ने वाले हैं, चर्च और गुरुद्वारे को तोड़ने वाले हैं, ये किसी धर्म से तलक नहीं रखते। ये तो राक्षस जाति के हैं और हैं भी राक्षस। ये मस्जिद के बोले कि ये मोहम्मदन है, हिंदू मुसलमान है, हिंदू है, ईसाई है, सिख है, ये बिल्कुल नहीं। ये कोई भी हो सकता है और किसी भी धर्म से हो सकता है। जो धर्म को मानने वाला आदमी है वो कभी ऐसा नहीं करता। जो अपने धर्म को जानता है वो किसी के धर्म को कभी उसको ठेस नहीं पहुंचाता। आज हम जैसे ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज मैं इस मंदिर कमेटी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि यहाँ जो जिस वक्त प्रोटेस्ट शुरू किया इन्होंने, तो कुछ बच्चे जो थे वो एग्ज़ाम देने जा रहे थे, तो इन्होंने स्पेशल दूसरी तरफ से गाड़ी अपनी करके और उनको वहाँ पहुँचाया एग्ज़ाम देने के लिए। तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ मंदिर कमेटी का अपनी तरफ से। तो बाकी मैं ये कहना चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन भद्रवाह डोडा को कि वो संज्ञान लें इस संदर्भ में और जल्दी से जल्दी उन अनासरों को गिरफ्तार करे, उनको कड़ी से कड़ी सजा दे, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और मैं अपने बनी कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन से भी इस दुआ करूँगा
कि ये इलाका जो है ये बाउंड्री पर है, हमारी भी वहाँ बाउंड्री लगती है डिस्ट्रिक्ट कठुआ की, और वो जो जगह है धर्मस्थल है वहाँ कैलाश कुंड, वो हमारी भी वहाँ थोड़ी सी जगह बनती है, हमारे पुरखों ने वहाँ वो हमारे जो होते थे ये साजदार जो जिनको बजदार करके बोलते हैं उनने वो जीत कर लिया, उस वक्त राजे महाराजे होते थे तो उनको वो अपने राग के माध्यम से अपने उसके माध्यम से उन्होंने उस थड़ी को जीता है, और आज भी उसका त्रामापटा जो है राजों के महाराजों के टाइम से आज का त्रामापटा जो बना है वहाँ वो हमारे डुगुन के नाम है, इसलिए ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है डुगुन का भी प्रोटेस्ट करना जैसे भद्रवाह और डोडे का बनता है, तो इतना ही फ़र्ज हमारा भी बनता है कि यहाँ भी प्रोटेस्ट किया जाए, और वो हमारी एक अमानत है, हमारे बुजुर्गों ने हमारे पुरखों ने वो हमें दी है, उस विरासत में दी है, हम उसको छोड़ नहीं सकते, और ये धर्म का आस्था है हमारी वहाँ की, तो इसलिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं बनी कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन से इस्तवा करूँगा, अपनी कमेटी की तरफ से पुरजोर अपील करूँगा आपके माध्यम से कि वो जल्दी से जल्दी इस विषय में संज्ञान लें, उनके साथ रابطہ करें, और उन दुष्टों को वो जो राक्षस जाति के लोग हैं जिन्होंने ऐसा कुकर्म किया है उनको पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, तभी ये हमारा ये धरना प्रदर्शन उठेगा। ये मैं कल ऐलान कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि ये जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज ये कमेटी वाले कर रहे हैं, हम इनके साथ संजोग दे रहे हैं, लेकिन कल ये लोग ये ढग्गर से लेकर बनी तक ये प्रोटेस्ट होगा, और बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होगा। मैं इसलिए अपने एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह करना चाहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन को इसलिए आगाह करना चाहता हूँ कि ये जो प्रोटेस्ट है कहीं उग्र रूप ना ले ले, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जल्दी यहाँ आके इन बच्चों को इन कमेटी को आश्वस्त करें कि वहाँ जो भी कार्रवाई होगी वो अच्छी होगी, और उन लोगों को पकड़ा जाएगा, उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, तो इसलिए ये प्रदर्शन जो है वो बंद करेंगे। ऐसे ऐसे प्रदर्शन डोडा भद्रवाह में भी चल रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को ये अपील करना चाहूँगा, हम में थोड़ा सा मतभेद है, अगर किसी की मस्जिद टूटती है तो हिंदुओं का फर्ज नहीं बनता कि वहाँ कैसे हुआ ये क्यों हुआ, अगर हमारा मंदिर टूटता है तो मुसलमानों का फर्ज नहीं बनता कि कैसे टूटा क्यों टूटा, उसमें सभी लोगों का ये धर्म स्थल है आना चाहिए। हमें जैसे हमारे पूर्वज जो थे वो एक होकर रहते थे, हम एक थे, हमें ये जो पॉलिटिक्स है इसमें नहीं बटना चाहिए, हमें एक होकर चलना चाहिए, और इस देश को बचाने के लिए भी हमें एक होना चाहिए। जय हिंद जय भारत। जी सर, मेरा नाम भूषण कुमार है, मैं डुगुन पंचायत का रहने वाला हूं, और कुरैशी साहब बनी अपडेट का हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं कि आप इस डुगुन की धरती पे आए और हमारे प्रोटेस्ट में शामिल हुए। इस प्रोटेस्ट को पीसफुल बनाने के लिए हम अक्सर देखा करते हैं कि जहां कहीं भी ऐसे ऐसे मसले होते हैं तो आप दूर दराज एरिया में पहुँचते हो, आपका एक बार फिर से दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। रही बात जो एक दूसरे के धर्म के विरुद्ध जो छेड़खानी होती है, कुरैशी साहब मेरे हिसाब से वो लोग जो ऐसे अनासर होते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता है, वो किसी जाति के नहीं होते हैं, चाहे हिंदू है चाहे मुमडन है चाहे सिख है चाहे ईसाई है, हर एक व्यक्ति का अपना अपना धर्म है, और किसी के धर्म को ठेस पहुंचाना मेरे हिसाब से ये किसी के धर्म में नहीं लिखा है कि एक दूसरे के धर्म को छेड़ा जाए। ये फतूरी अनासर जो है ये राक्षस जाति के हैं, ये राक्षस लोग होते हैं जो एक दूसरे के धर्म को ठेस पहुंचाते हैं। मेरी पुरजोर एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि इस मसले का तहकीकात करवाएं, और जिस किसी ने भी ऐसी कार्रवाई की है हम तो चाहते हैं कि उसको सजाए मौत सजा होनी चाहिए, ताकि ये मैसेज अगर दूसरों तक पहुंचेगा तो कोई दूसरा ऐसी हिम्मत नहीं रखेगा। ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हिंदू मंडन के भाईचारे को ख़त्म करने वाली बात है। हम सदियों से हमारा भाईचारा बरकरार है, एक दूसरे के साथ खुल मिल के बैठ रहे हैं, और ये हमारे भाईचारे में दरार डालने की कोशिश की जा रही है, और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा नाम धनीराम, सरपंच डुगन। कुरैशी साहब, मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ कि आज का जो हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है इसमें आपने शमूलियत की,
मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ, अवाम डुगन की तरफ से आपका आभारी हूँ। जैसे ये आज हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, आपको पता ही है कि ये दो तीन दिन से भदरवाह डोडा में भी ये प्रोटेस्ट चल रहा है, इवन के जम्मू में भी कल इसके विरुद्ध वो प्रोटेस्ट हुआ है। तो मैं अपने ब्लॉक डुगन या डुगन जितना भी एरिया है इसकी तरफ से आज का जो हमारा पीसफुल ये प्रदर्शन था, मैं एडमिनिस्ट्रेशन को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि हमारा इलाका बहुत पीसफुल इलाका था, बनी एरिया जो था सरथल, ये बहुत पीसफुल एरिया है जहाँ पर हिंदू मोहम्मदन जो भी हैं आपस में बड़े भाईचारे के हिसाब से रहते हैं, लेकिन चंद गलत अनासर जो यहाँ पर ऐसे इंट्रियाँ कर रहे हैं उन पर भी नज़रसानी की जाए कि कोई ऐसा गलत शैतान अनासर जो है वो हमारे इस ब्लॉक या तहसील में, वो एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी बाहर से जो आदमी आता है उसकी तहकात करना होनी चाहिए। जैसे आज कोई वो सामान लेकर चलता है, कोई कौन चलता है, कोई इस पता नहीं है कि हिंदू है मोहम्मदन है कौन है, ये शैतान लोग होते हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये एडमिनिस्ट्रेशन को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि आज हमारा पीसफुल ये रहा है, हमारे नायब साहब भी जहाँ पर पहुँच गए हैं, ये कुछ आश्वासन देंगे हमको, और अगर इसको कोई स्थायी हल नहीं निकला तो ये प्रदर्शन ये जो उग्र भी हो सकता है। मैं आपके सभी के जज्बात को समझता हूँ। ये जो लोगों ने ऐसा काम किया है भदरवाह में, ये इंसान नहीं है, ये इंसानियत के खिलाफ लोग हैं। तो अगर किसी भी धर्म का कोई अपमानित नहीं करना चाहिए, इंसान है सबसे पहला मजहब है इंसान, इंसानियत के खिलाफ कोई किसी को भी मानता है तो मानने दो उसको, हिंदुस्तान में वैसे भी हर एक को हक है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हम इसको कंडेम्ड करते हैं, लेकिन हमारी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी कार्रवाई होगी, मेरी SDM साहब से बात हुई, SDM साहब ने DC साहब से बात की, DC कठुआ साहब से, और उन्होंने DC भदरवाह के साथ भी बात कर ली है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जल्दी होने वाली है, और आज या कल आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में आपको मिल जाएगा सभी कुछ। तो जैसा कि हमें आज ये हमारी मंदिर कमेटी को नायब साहब की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि दो तीन दिन में इसका क्लेव जो है वो निकलेगा, इनके जो इस मंदिर के तोड़ने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और दोषी पकड़े जाएंगे। हम इस बात पर दो दिन के लिए अपना प्रोटेस्ट बंद करते हैं और चेतावनी देते हैं, कल और परसों अगर इसका हल नहीं हुआ तो चौथे दिन वो जो प्रोटेस्ट होगा वो कभी बंद नहीं होगा, वो कभी बंद नहीं होगा। नहीं चलो कल अगर फिर ये कल हम आएंगे तो बोलेंगे नहीं एक दिन का और टाइम दो, टाइम देते हैं हम खुद, दो दिन का टाइम देते हैं, दो दिन के बाद जब होगा तो फिर कभी बंद नहीं होगा। हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे।